उस टब में से इधर लगाया है फ्रेंड्स। ऐसे ही आपको दिखाती रहूंगी। देखिए, और ये पत्थर जेट का फ्लावर सभी सूख रहा है, सूखने को स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स। इसमें सीड्स हैं, ये देखिए देसी कलौंची कितनी खूब। इसको मैंने फर्टिलाइजर दिया था गार्डन वेस्ट का, आपको दिखाई थी पिछले वीडियो में, ऊपर सॉइल डाल दिया था मैंने, उसी का असर है ये। इसीलिए मैं हर बार वही बात बोलती हूँ, आप गार्डन वेस्ट बिल्कुल वेस्ट मत करिएगा। गार्डन वेस्ट जो है वो बहुत यूज़फुल है गार्डन के लिए। गार्डन का क्लीनिंग जब भी आपने करती है और सूखा हुआ लीव्स और फ्लावर्स निकलते हैं, तो आप प्लीज़ कुछ भी ना फेंके, एक टब में पॉलिथीन में भरते जाइएगा। फिर बाद में कोई भी आप प्लांट लगाते वक्त उस सॉइल में मिक्स करके, नहीं तो नीचे, नहीं तो थोड़ी सी सॉइल डाल के, थोड़ी सी वो वेस्ट सब डाल के, फिर बाद में आप ऊपर सॉइल डाल के फिर आप प्लांट लगा सकते हो। देखिए मैंने ऐसे ही किया था, इस पर्टिकुलर पार्ट को करके आपको एक वीडियो भी बनाया था, आपको दिखाया है। देखिए कितनी अच्छी है, एक महीने से ज़्यादा हो गया अभी ये फ्लावर खिल के, कितनी अच्छी लग रही है। देखिए पूरा मैं दिखाऊंगी आपको, इतनी सी 12 इंच का पॉट में मैंने इसको लगाया है, एक महीने से फ्लावर खिला हुआ है ऐसे ही, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मेरी फ्रेंड ने दिया था, उनको भी मैंने इसका फोटो और वीडियो दिखाई हूँ, खुशी हुआ मुझे बहुत। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, देखिए इसमें एक, देखिए अपराजिता का प्लांट सीड से उगा है, कितनी हेल्दी प्लांट है। देखिए आपको दिख रहा होगा, मुझे इसको निकालना है, ये देखिए पत्थर जेटा छोटी सी पॉट में था और छोटी छोटी बेबीज प्लांट्स भी लगा है। ये तो थोड़ी दिन बाद मैं इसको कटिंग करूँगी, फिर बाद में वो प्लांट्स अच्छी सी आ जाएगा। इसमें देखिए मैंने कटिंग किया था, इसको थोड़ा सा वायरस अटैक हुआ था इसे, तो कटिंग करने के बाद अभी फूल इसमें आ रहा है अच्छी से, रोज़ 5-6 आ रहे हैं और कलियां भी ढेर सारा हुआ है। देखिए कलियां भी आपको दिख रहा होगा, इसमें फूल ही नहीं आ रहे थे, और एक प्लांट में आ रहा था उसमें ढेरों फूल आ रहे थे, इसमें बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहा था। तो मैंने इसको कुछ फर्टिलाइजर लिक्विड का स्प्रे किया, फिर बाद में इसको कटिंग करके स्प्रे किया, फिर बाद में इसको मैंने थोड़ी सी फर्टिलाइजर भी दिया, फिर बाद में इसको अच्छा सा केयर किया मैंने, अभी इसमें फूल खिल रहे हैं अच्छी सी, रोज़ 4-5 फूल खिल रहा है और कलियाँ भी हो रहे हैं। देखिए इसमें कितनी सी छोटी सी बॉटल में कितनी ग्रीन है, ये कितनी अच्छी चल रही है, और ऊपर भी एक पॉट में लगाया है मैंने, और बेबी सन रोज़ देखिए इसको कटिंग किया है मैंने, कितनी अच्छी सी चल रही है, पूरा ग्रीन हुआ है टब पूरा,
कंपाउंड पर रख दिया है मैंने इसको। नीचे अपराजिता का है प्लांट और ये वाला कलौंची का पिंक वैरायटी में फ्लावर्स है, नर्सरी से लाया हुआ है, 2 महीना हो गया ये लाके, अभी इसकी ग्रोथिंग स्टार्ट हुआ है। देखिए ऐसा ये खजूर का प्लांट लगा हुआ है, कितनी अच्छी बढ़ रही है। ऐसा ही अपने आप लगा हुआ था, मैंने इसको छोड़ दिया है ऐसे ही पॉट में, अच्छी सी चल रही है, 1 साल का ही है। और ये है मेरी फेवरेट कुलियस कटिंग्स, कितनी जबरदस्त चल रही है। इसको जैसे ही फूल निकलता है उसको ऐसे ही कट करते रहना चाहिए, नहीं तो इस प्लांट का ग्रोथिंग स्टॉप हो जाएगा। मैं ऐसे ही कट करती रहती हूँ, देखिए इधर से ऐसे ही मैं कट करती रहती हूँ, ऐसे ही कट करती रहना, नहीं तो इसका बढ़ने की चांसेस कम है। इसको ऐसे ही कटिंग करते रहना, इसका फ्लावर्स ऐसे ही नहीं रहने देना है। देखिए कुलियस इजी टू ग्रो है, कटिंग से होता है और कलर भी कितनी अच्छी है होती है इसकी, वैरायटी भी ज़्यादा होता है, इसीलिए मुझे बहुत पसंद आई है। ये देखिए कितनी अच्छी चल रही है, मैंने पहले दिखाई थी आपको। और ये वाला इसमें ये लगाई थी मैं तेंगलाट वाला पर्पल कलर का, ये भी अच्छी चल रही है। देखिए इधर भी कुलियस है थोड़ी सी, इसको भी मैं ऐसे ही कटिंग करती रहती हूँ इसका फ्लावर्स, नहीं तो इसका फ्लावर्स ऐसे ही रहने देंगे तो ये ग्रोथ ये बढ़ने की चांसेस कम होती है। और ऐसे ही कट करने करती रहना चाहिए फ्रेंड्स। और एक देखिए चेरी वाला ये टमाटर कितना लगा है, देखिए अपने आप लगा है ये प्लांट, आपको दिख रहा होगा। इसको मुझे तोड़ना है अभी, देखिए किचन वेस्ट से अपने आप लगा है। और ये 2 स्पाइडर प्लांट्स है, एस्पैरेगस है, ये मैंने एक ही प्लांट से इतना ढेर सारा 10 पॉट किया है। इसमें एक मॉर्निंग ग्लोरी भी लगा हुआ है, अपने आप लगा है ये, सीड से उगा है। और इधर एक है देखिए, मैंने 10 पॉट में डिवाइड करी थी करके 2 महीना हो गया, सीड्स भी लगाई थी मैं, वो भी लग गया है अच्छी से, कितनी अच्छी चल रही है। पिछली वीडियो में भी मैंने दिखाया था आपको, अभी कितनी अच्छी चल रही है देखिए। और ये मेरा सन रोज का प्लांट देखिए कितनी जबरदस्त चल रही है नीचे से, ऐसे ही दिखाते दिखाते और एक मुझे आपको दिखाना है फ्रेंड्स। मेरे गार्डन में ऐसे ही मैं अभी चेक कर रही थी सब प्लांट्स को, तो इधर ये हनी का देखिए मधुमक्खी लगा हुआ है फ्रेंड्स, आपको नज़दीक से मैं दिखाऊंगी। अभी अभी देखा है फ्रेंड्स मैंने, कितनी बड़ी हुई है, ये देसी मधुमक्खी है, कितनी अच्छी लग रही है देखे। मैं कल इसको ज़रूर निकालूंगी।
दिख रहे हैं ना आपको, मजे की बात है नहीं। ऐसे ही ये स्टैंड को लगा हुआ है, मधुमक्खी भी हुआ है इसमें, हनी ढेर सारा हुआ है मुझे लग रहा है, मुझे पता है ये इसमें हनी ज़्यादा लगा हुआ है। देखिए नज़दीक से दिखाऊंगी मैं, कल निकालूंगी इसको धूप में, अभी शाम का वक्त है अभी नहीं निकाल सकते। इधर मधुमक्खी काट सकती है अभी, जब भी धूप रहेगा तब मैं निकालूंगी इसको, मुझे निकालने के लिए आता है। पिछली बार भी उस साइड में एक लगा हुआ था लेकिन छोटी सी था वो, अभी ये बड़ा है, इसको थोड़ी सी धूप में निकालना चाहिए नहीं तो मधुमक्खी काट सकती है। ये देख के मुझे बहुत खुशी हुआ है फ्रेंड्स। देखे ये ऊपर पॉट्स है, ये स्टैंड है, वो पर्श को लगा हुआ है, देखिए मधुमक्खी दिख रहा है ना आपको। देखिए दूर से ऐसे है कुछ नजारा इसका, देखिए ऐसे ही मैं जा रही थी इधर से, तो मुझे कुछ प्लांट को देखना था, मुझे प्लांट को देख रही तो एक मधुमक्खी दिखा मुझे, तो मुझे डाउट आया इधर से, इधर मधुमक्खी है तो मैंने ऐसे साइड करके देखने के बाद पता चला इधर मधुमक्खी लगा है। मैं कल निकालूंगी फ्रेंड्स, आज मधुमक्खी हनी आपको दिखाना था मुझे, इसीलिए मैं ये वीडियो कर रही थी। वो देखने के तुरंत बाद मैं जाके कैमरा लेके आके वीडियो कर रही हूँ, उसी को दिखाना था मुझे। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। मेरी मनी प्लांट भी देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी चल रही है। अभी अभी मैंने पानी दिया है प्लांट्स को, देखिए एप्पल टमाटो लगा है इधर, इधर बैंगन लगा हुआ है, तो फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो और मेरे मधुमक्खी का, वो मधुमक्खी आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। ओके फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, बाय।